नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। योगी ने वाराणसी दौरे पर किया कई विकास प्रोजेक्टों का निरीक्षण। हरियाणा जम्मू कश्मीर में मतगणना शुरू, आने लगे रुझान। आज 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कोलकाता कांड, आरजीकर हॉस्पिटल से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में संदीप घोष से पूछताछ करेगी ईडी। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी बीजेपी, नतीजों से पहले बोले नायब सैनी। प्रयागराज में सगाई समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 3 बच्चों को लगी गोली, 1 की मौत। हरियाणा में पलटा गेम, बहुमत के करीब पहुंची बीजेपी, कांग्रेस से आगे निकली। विशाखापट्टनम में 8 से 18 अक्टूबर तक 4 देशों के मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा भारत। जम्मू कश्मीर में दैवीय शक्तियां जीतेंगी, बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना। अगर नंबर नहीं आते हैं तो जिम्मेदारी मेरी, नतीजों से पहले बोले हरियाणा के सीएम नायब सैनी। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।